नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की फेमस राज कचौरी की रेसिपी बनाएंगे। तो ये सुनने में या देखने में आपको लगेगा कि टफ होती है, लेकिन बहुत ही इजी है। तो इसे घर में ही बनाइए, बहुत टेस्टी है। तो ये बनाते हैं इसे। तो देखिए, सबसे पहले ये मैं आपको कचौरी का सामान बताती हूँ। मैंने 2 बड़े चम्मच सूजी ली है, 2 बड़े चम्मच मैदा है और 1 बड़ा चम्मच बेसन है। तो आप इस तरह से आप क्वांटिटी देख लीजिए। इसे 4 कचौरी बनेंगी। थोड़ा सा नमक है, लाल मिर्च और 1 पिंच मीठा सोडा है। तो इस तरह से आप ये सामान जितना बनाना है उस अकॉर्डिंग ले लीजिए। इससे 4 बन जाएगी। तो मैदा, सूजी और बेसन को हम एक बाउल में डालेंगे और ये मसाले डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को भी इसमें हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि सिर्फ 4 कचौरी के लिए है। और आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लीजिए। तो डो को हमें टाइट नहीं करना है, सॉफ्ट करना है, क्योंकि जब सूजी सेट हो जाएगी तो थोड़ा फूल जाएगी, अपने आप ये टाइट हो जाएगा। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है हमें। तो अच्छे से ये आटा हमारा सेट हो जाएगा। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और ये डो रेडी हो गया है। तो ना तो बहुत टाइट है, ना बहुत सॉफ्ट है ये। अब इसको हम स्मूथ कर लेंगे और इससे देखिए 4 इक्वल पार्ट में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो ना तो ये हमें पूरी जितना छोटा लेना है, ना रोटी। आप बीच का देख लीजिए, पूरी से थोड़ा बड़ा और रोटी से थोड़ा छोटा। तो थोड़ा सा ऑयल इस तरह से हम सरफेस पे लगाएंगे और पूरी से थोड़ा सा बड़ा या पूरी की साइज़ का ले लीजिए उतना हम इसे बेल लेंगे। तो बहुत पतला नहीं रखना है इसे, पूरी से थोड़ा मोटा होगा ये। तो देखिए इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। तो अब ऑयल को यहाँ हमें ध्यान रखना है कि एक बार तो आपको बहुत अच्छे से गरम करना है। तो ये ऑयल अभी अच्छे से गरम है बिल्कुल। और इसे डालने के बाद हम देखिए इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये फूल जाए। और गैस को अब हम यहाँ मीडियम से लो की तरफ कर देंगे और इस गरम तेल को चम्मच से देखिए इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे जब तक ये नीचे से कुक हो रही है। तो तेल हम लगातार डालते रहेंगे, उससे ये ऊपर से भी कुक हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करें और इस समय आपको लो कर देनी है फ्लेम को। तो अब देखिए जब इस तरह से हम पलटेंगे तो नीचे से आपको लगातार घुमाते हुए और साइड से इस तरह से करते हुए आपको इसे कुक करना है ताकि इसके किनारे सारे सिक जाएं। और लो पर आपको पकाना है इसे, तभी ये बहुत क्रिस्प और टाइट बनेगी। तो इसे हमें पूरी की तरह सॉफ्ट नहीं रखना है। तो एक को आपको कम से कम 5 से 7 मिनट कुक करने में लगेंगे। तो देखिए इस तरह अच्छे से दोनों तरफ से कुक करके आपको निकालना है। देखिए कितनी फूली हुई और बहुत अच्छी बनी है। तो अभी ये थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है, इसे हमें ठंडे करना है अच्छे से कुछ घंटों के लिए, तुरंत यूज़ नहीं लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी कचौरियाँ बना ली है। ये भी देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो 4 इससे हमारी राज कचौरी की कचौरी रेडी हो गई है। अब इन्हें हमें ठंडा होने देना है 1 से 2 घंटे के लिए कम से कम, तभी ये क्रिस्प बनेगी और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। देखिए स्टफिंग के लिए आप वैसे तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, पर बेसिकली इसमें इस तरह से मैंने बॉईल किया हुआ आलू लिया है, नमक मिर्च मिला हुआ, थोड़े से दही बड़े लिए हैं, उसके बड़े लिए हैं, स्प्राउट्स लिए हैं, उन्हें हल्का सा आप बॉईल कर लीजिए या कच्चे, थोड़ा सा दही लिया है बिल्कुल ताज़ा फिटा हुआ, और जो नमक पारे होते हैं या मट्ठी ले लीजिए उसको चूरा करके हमें लेना है, थोड़ा से जीरो नमकीन वैसे होती है मैंने बीकानेरी से लिया, आप कोई भी नमकीन ले लीजिए, इमली की मीठी चटनी है, पुदीने की खट्टी चटनी है, काला नमक, सादा नमक, लाल मिर्च पाउडर और भुने हुए जीरे का पाउडर है। स्टफिंग में आज आप कुछ भी अपनी इच्छा से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए अब ये रेडी है, कितने अच्छे से टूट रही है आप देखिए, बहुत क्रिस्प बनी है। तो बेस थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि हम स्टफिंग अच्छे से भर सकें। तो सबसे पहले इसमें हम मूंग के बड़े मैंने बनाए हैं ये वो डालेंगे और आलू डालेंगे बॉईल किए हुए। तो आप स्टफिंग जो आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल सकते हैं, उबले हुए छोले भी ले सकते हैं यहाँ। और दही डालेंगे, देखिए स्प्राउट्स डालेंगे, चने और दाल है और मोठ है इसमें। तो नमक पारों को मैंने थोड़ा क्रश कर दिया था, आप मट्ठी ले लीजिए या फिर जो राज कचौरी नहीं फूले आप उसको भी मैश करके इसमें डाल सकते हैं। ये मीठी चटनी डालेंगे इमली की और गुड़ की, ये पुदीने की और धनिया की चटनी है, थोड़ा ये डालेंगे। उसके बाद हम फिर से दही डालेंगे। तो स्टफिंग का देखिए मैं फिर से कह रही हूँ, आपको जो पसंद है इसमें आप वो डालिए, कोई चीज़ कम पसंद है ज़्यादा पसंद है बिल्कुल अपने टेस्ट से आप भर लीजिए, पर बेसिकली ये इसी तरह से बनती है। तो भुना हुआ जीरा डालेंगे एक बार फिर से, चटनी और दही डाल के, सादा नमक, काला नमक और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ आप
प्याज भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, वो बिल्कुल आपके टेस्ट पर है। तो देखिए इस तरह से स्टफिंग करके हमने तैयार कर ली है। अब लास्ट में इसमें हम नमकीन डालेंगे, वैसे जीरो सेव डलती है, मैंने बीकानेरी भुजिया यहाँ डाली है। और आप पुदीने के पत्ते से सजाइए, धनिया डालिए, प्याज टमाटर डालिए। इस तरह से घर में ही बहुत ही टेस्टी राज कचौरी रेडी है। घर में कोई भी चीज़ बनती है तो आप जानते हैं कितना हेल्दी होती है, वो हाइजीन होता है, साफ़ होती है।